जुड़ गए हैं प्रकाश दीवान डॉट इन के. प्रकाश दीवान, प्रकाश गुड आफ्टरनून. एक बहुत ही बढ़िया हफ्ते की शुरुआत होती दिखाई दे रही और इस वित्त वर्ष की भी. अब जैसे जैसे हम अगले हफ्ते में आएंगे, एक बड़ा इवेंट हमारी क्रेडिट पॉलिसी निकल जाएगी और फिर ऑफकोर्स रिजल्ट सीजन का आगाज रहेगा. बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले तो रिजल्ट से मैं आपसे समझना चाहूंगी. सो गुड आफ्टरनून अर्चना. सो देखिए, रिजल्ट सीजन में खास करके जब आईटी से शुरुआत होती है हर बार की तरह, एक ये मार्केट भांपने की कोशिश करेगा कि आईटी में यूएस में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो एआई रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं, उससे हमारी कंपनीज उसमें कितनी पहल कर सकती, कितनी हिस्सेदारी इस कारोबार में ले सकती है, कहाँ कहाँ वैल्यू एडिशन हो सकता है. और उसका इंडिकेशन आपको रिक्रूटमेंट के नंबर से आएगा, हेडकाउंट बढ़ा कितना हुआ, नए कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से आए. सो उस लिहाज से ये सेक्टर है जो रिप्रेजेंटेशन अच्छी खासी है इसकी, लेकिन एक्सेप्ट फॉर टीसीएस और आजकल दो कुछ रोज में जो इन्फोसिस की बढ़त है, बाकी तो इतनी कोई चाल बहुत बड़ी आई नहीं है इसमें. खास करके जो एक्सटेंचर के नंबर के बाद मायूसी आई थी, उसका असर अभी भी दिख रहा है. तो एक तो ये हो जाएगा. दूसरा पॉकेट मुझे लगता है बैंकिंग में, मुझे वहां पे बहुत जगह इसलिए दिख रही है कि जब मार्च के नंबर्स आएंगे तो आपको जो बैंकों में एक वो बना था, रिस्क परसेप्शन बना था कि बैंकों के रेशियोज थोड़े से अपसेट हो सकते हैं, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, तो वहां पे क्या मार्च एंड तक नंबर्स ठीक ठाक आने के बाद इंप्रूवमेंट की जगह बनती है, क्रेडिट ग्रोथ की जगह बनती है. और याद रखिएगा कि अब हम इंटरेस्ट रेट साइकिल की जो ऊंचाई वाला जो फेज था उसके करीब करीब उसके एंड तक पहुंच चुके हैं. अगर यूएस में जून में कोई फेरबदल आता है इसके अंदर, इंटरेस्ट रेट्स में कटौती आती है, तो हमारे यहाँ भी एक हो सकता है आरबीआई का हो जाए. तो एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर आरबीआई की एमपीसी की जो बैठक है इस हफ्ते, उससे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन रहेगा. और तीसरा सेक्टर जो मुझे समझ आ रहा है, कैपिटल गुड्स में जो तेजी हमने देखी है वो कितनी बरकरार रह सकती है, जो ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज के यहाँ पे सब्सिडरीज हैं जो काम कर रही है इतना अच्छा, वो उसमें अभी भी तेजी की गुंजाइश आपको कितनी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ हेडरूम फॉर ग्रोथ, वो एक आपको दिखेगा. सो रिजल्ट्स में ये दो तीन पॉकेट्स जो है बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे, बाकी मैं नहीं समझता कोई इतनी खास एक्सपेक्टेशंस हैं जिससे डिसअपॉइंटमेंट हो. सो अगर ये तीन पॉकेट्स के रिजल्ट्स ठीक ठाक आए तो मार्केट एक आपको नए निफ्टी हाई पे पहुंचता हुआ वापस दिख सकता है. और ये हो सकता है कि ये अप्रैल एंड मई तक ये सिलसिला हो जाए, जारी रहे. बट इलेक्शन रिजल्ट्स की उम्मीद में ऑफकोर्स मार्केट फिर अलग टाइप का बिहेवियर भी दिखा सकता है. सो इंटरेस्टिंग क्वार्टर है, बट आई डोंट थिंक कोई नेगेटिव एटलीस्ट एक्सपेक्टेशंस में के हिसाब से कोई नहीं. इनफैक्ट अगला सवाल यही था, एक तरफ ये अर्निंग्स कंपनियों के नतीजे और दूसरी तरफ चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन हम नॉर्मली देखते हैं वो प्री इलेक्शन प्ले आने लगता है, तो प्री इलेक्शन प्ले में फिर से वो कैपिटल गुड्स इंफ्रा वाली कंपनियां रहेंगी या फिर कुछ अलग हटकर मार्केट कोर फंडामेंटल्स और नंबर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहेगा? नहीं, नंबर्स पे तो मार्केट का फोकस नंबर्स पे तो हटेगा नहीं अर्षदा, एक चीज बहुत क्लियर है. लेकिन चुनावी नतीजों की उम्मीद के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है, सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा अगर एक बार जून के पहले हफ्ते में जब नतीजे बाहर आ जाएंगे, अगर बीजेपी को डिसाइसिव विन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग वो आती है, उसके बाद आपको एफआईज की तरफ से बहुत अच्छा खासा इनफ्लो का रुझान दिखना शुरू हो जाएगा. अभी तक जो एफआईज ने बाइंग की है वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एकदम हल्की फुल्की बाइंग की है. तो जो पूरी होल हार्टेड बाइंग आनी बाकी है वो मेरे ख्याल से इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आएगी. और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद अगर एफआईज की बाइंग आती है, और डीआईज को सेलिंग करने की कोई इच्छा है नहीं ऐसे, जिस हिसाब से हम एसआईपी का आंकड़ा देख रहे हैं बढ़ते हुए हर महीने, तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी या लार्ज कैप स्टॉक्स में, या एटलीस्ट इन द टॉप 250 स्टॉक्स ऑफ द निफ्टी, आपको बहुत बढ़िया वो फ्रेश बाइंग दिखनी शुरू हो जाएगी. और एक इसके बाद आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रब ऑफ इफेक्ट आएगा. लेकिन यहां से जून तक, ये जो एग्जैक्ट दो महीने आपके पास हैं आज, ये दो महीने के अंदर आपको अगर पोजिशन बनानी है तो लार्ज कैप की तरफ झुकाव रहना चाहिए या लार्जेस्ट मिड कैप्स की तरफ रहना चाहिए. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मिड कैप में कुछ होगा नहीं, लेकिन वैसे आप चुनिए स्टॉक्स, उन स्टॉक्स का चयन कीजिए जिसमें आपको लगता है एफआईज अपनी होल्डिंग बढ़ाने की चेष्टा करेंगे, और उनके कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ पॉकेट्स, सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, उस हिसाब से. तो जैसे एशियन पेंट्स है, अभी तक चला नहीं है,
आज हम लोग बात कर रहे थे कि एफएमसीजी में जिस टाइप की एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है, इतना कंसोलिडेशन ब्रिलियंटली हुआ है, चाहे वो एचयूएल हो, ब्रिटानिया हो, डाबर हो, इन सब में आपको जैसे जैसे कंजम्पशन डिमांड शुरू होती हुई इम्प्रूव होती हुई दिखेगी, एक वापस एक्साइटमेंट आएगा। और अगर एफआईआई का पैसा आता है इन टाइप इस टाइप के, उसमें फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग, तो आपको बहुत बढ़िया इसके अंदर एक मूव मिल सकता है। फंडामेंटल्स तो गवर्नमेंट के बनने के बाद, बजट आने के बाद फिर से वापस हावी हो ही जाएंगे, तब थोड़े से सेक्टर स्पेसिफिक आप कॉल्स ले सकते हो। लेकिन अभी ब्रॉडली एफआईआई की वापसी की उम्मीद में जो खरीदारी करनी है वो आप कर सकते हो। ओके प्रकाश, वीरेंद्र बोल रहा हूँ स्टूडियो से। ये मुथूट मन्नापुरम जिस प्रकार का मूव गोल्ड में है, और गोल्ड को लगभग लास्ट 5000 पॉइंट का जो स्विंग मिला है वो शॉर्ट कवरिंग ने दिया है, आपका व्यू गोल्ड के प्राइस को देखते हुए मुथूट मन्नापुरम पे, इवन फॉर दैट मैटर फेडरल बैंक जिसका गोल्ड लोन एक्सपोजर काफी स्ट्रॉन्ग है, क्या बन रहा है सर? मेरे भी बहुत बढ़िया पॉकेट आपने चुना है। देखिए, एक तो गोल्ड की आपके पास इसमें टेलवेंड है कि गोल्ड की जो इन्वेंट्री इनकी है वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे आपको इनका एबिलिटी टू लेंड जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिए जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं जो एलटीवी के बेसिस पे वो फॉलो करते, हर एक कंपनी एक अलग दायरे में उसको फॉलो करती है अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। उस लिहाज से अगर आप देखें तो जो कुछ कंपनी ने बहुत अग्रेसिवली ग्रो होने की कोशिश की, जो इंडिया इन्फोलाइन जैसे था, तो आरबीआई ने वहां पे उनको थोड़ा सा ऊपर वो किया कि भाई ये इस टाइप का अंकुश लगाया गया कि भाई ये आप ऐसे नहीं कर सकते, इसमें कुछ तब्दीली लाइए, ये सिस्टम आपके फिर से वो रीसेट करिए। उस लिहाज से जो आईएफएल ने जो मार्केट छोड़ी है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट उसका मुथूत को होगा। तो मैं नहीं समझता कि मुथूत जैसा रिस्क मैनेजमेंट, इतना ठोस रिस्क मैनेजमेंट, इतने अच्छे सिस्टम प्रोसेसेस किसी और कंपनी के हैं। तो अगर आपको गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में तेजी दिख रही है, और जैसे गोल्ड के प्राइसेस आज नई ऊंचाई पे जरूर है, ये 2009 के बाद इस टाइप का मूव आपको गोल्ड में दिखाया काफी ऑलमोस्ट 15 साल बाद, ये मूव थोड़ा सा सेक्युलर या लॉन्ग टर्म हो सकता है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल इशूज की वजह से ये कोई बहुत जल्दी हल होने वाले है नहीं इशूज, और गोल्ड प्राइसेस के अपना एक अलग ही जोन में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अगर इन इन कंपनी से बेट करना है तो मुथूट ऑफ कोर्स इज अ गुड बेस्ट बेट। बैंकिंग में कई लोग इसके अंदर पड़े हैं, सीएसबी है, फेडरल बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, बहुत लोगों ने ये कोशिश की कि ये बढ़ाए, इनफैक्ट एसबीआई का पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया है गोल्ड लोन का। लेकिन जो एक्सपर्टीज मुथूट की है, जो प्रेजेंस है, उसको अगर आपको लेवरेज करना चाहे तो मेरे हिसाब से अभी भी इसके अंदर आपको अपसाइड अगले 1.5 साल के लिए मिल सके। ये प्रकाश सर, ये वोल्टास को पिक करने का टाइम है क्या? आई मीन आपका समर का सीजन या फिर हैवल्स अच्छी एक पिक रहेगी? अच्छा, वीकेंड पे तो बताऊं मैं आपको सर, दिल्ली एनसीआर का तापमान खासा बड़ा हुआ था। कंफ्यूजन बस ये था कि समाचारों में सुनने को मिलता है कि उत्तरकाशी में बर्फ़ पड़ रही है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे स्कीइंग कहाँ होती है ऊपर, वहाँ बर्फ पड़ रही है, तो आदमी सोचता है कि नहीं अभी बारिश हो जाएगी थोड़ा ओली ओली। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप तो पहाड़ों के में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं सर, ये वोल्टास को पिक करने का टाइम है क्या? ये नहीं, देखिए ये जो बर्फ गिरने का सिलसिला है ये एक आध जगह गिरती है, दो दिन के लिए गिरती है, लेकिन उसका कोई असर दिल्ली में या बम्बई में तो आना नहीं है। और एयर कंडीशन एज अ सेगमेंट अगर आप देखें, वीरू आपने बहुत सही कहा, ये सबसे पहली चीज है जो आजकल लोग अपनी एस्पिरेशन लिस्ट में रखते हैं कि अगर खर्चा करना है, पैसे बट कहीं जमा हुए, थोड़े सेविंग्स हो गई, लोन ले लिया, तो किस चीज के ले लिया? आपके पास ऑलरेडी फ्रिज ये वो सब, टीवी तो घर में है ही है, अब लेना क्या है? तो एयर कंडीशनर। सो एयर कंडीशनर्स की जो सेल है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जो अब ग्रोथ रेट जो दिख रहा है वो शायद ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। इसके अंदर कुछ प्लेयर्स को मैं मिला हूँ जो वोल्टास के लिए काम करते हैं, जो आउटसोर्स, जहाँ वोल्टास जिनको आउटसोर्स करता है, ऑफकोर्स बड़े वाले एम्बर डिक्सन टाइप तो है, ये छोटी कंपनीज भी हैं, एक नासिक की कंपनी को मिला था जो वोल्टास का बहुत बड़ा काम करते हैं, उनसे ये समझ आ रही है कि इसमें डिमांड बहुत है लेकिन मार्जिन्स ज्यादा बनने की गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है, हर एक जने के पास नए नए मॉडल्स हैं, हर एक के पास कोई ना कोई यूनिक फीचर्स हैं, तो कंपेटिटिव इंटेंसिटी जो यूसीपी में, यूनिवर्सल कूलिंग प्रोडक्ट्स जो सेगमेंट इसको कहते हैं, विंडो एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स में, वहां पे थोड़ा सा ये होगा। लेकिन वोल्टास के लिए एक और एडवांटेज है वीरू, उस वजह से मेरे को लगता है ये थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में क्यों आ रहा है बाकी ब्लू स्टार और इन सब के कंपैरिजन में। वोल्टास का मिडल ईस्ट से बहुत बड़ा कारोबार आता है, और वो कारोबार में इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का जो कारोबार है
वहां पे अगर आप देखें तो जो एलएनटी की ऑर्डर बुक आ रही है, जिस क्वालिटी की ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो मार्जिन्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं और जिस स्पीड में इनको ये ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने की एक्सपेक्टेशन है, सऊदी अरेबिया में इतनी सब डेवलपमेंट हो रही है, नए शहर बन रहे हैं, मैं नए इलाके नहीं बोला, मैंने बोला नए शहर बन रहे हैं, और ये इतने सारे शहरों की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें ब्लू स्टार वोल्टा सभी टाइप की कंपनीज को काम मिल रहा है, इतना काम है कि ये अगले 4-5 साल तक बिजी रह सकते हैं, लेकिन उसका कैसे एग्जीक्यूशन आएगा, किस क्वार्टर में कब कितना हासिल कर पाएंगे वो देखना थोड़ा जरूरी है, बट मुझे लगता है कि वोल्टास डेफिनेटली वोल्टास और ब्लू स्टार दोनों को अगर आप एज अ बास्केट ले लें, दोनों थोड़ा थोड़ा दोनों में पैसा लगाइए, कभी कोई चलता है कभी दूसरा चलता है, दोनों ही अच्छी कंपनी है, वोल्टास का लेकिन एयर कंडीशनर में बोलबाला थोड़ा ज्यादा है और थोड़ा प्रोडक्ट एक्सटेंशन भी कर रहे हैं वाटर कूलर्स और ये सब में, जो इनका तुषार ब्रांड का जो वाटर कूलर वाटर डिस्पेंसर्स है वहां पे भी काफी कारोबार बढ़ता हुआ दिख रहा है, सो डेफिनेटली अच्छा है। समर्स आ गया है, थोड़ा जल्दी आ गया है, नॉर्मली अप्रैल में हम लोग ये सब चीजों की बात करते हैं, आज हम पहली अप्रैल से शुरू कर दी, मतलब मार्च एंड हुआ और हमने इसकी तरफ देखना शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली आई थिंक ये रहेगा पॉजिटिव, बट अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर बिल्ट इनटू द प्राइस, ये मैं नहीं कह रहा कि इसमें किसी को पता ही नहीं है और एकदम से गर्मी शुरू हो गई और एसी बिकने लगेंगे, तो काफी हद तक ऑल दैट इज प्राइस, बट आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करिए जब डिप्स पे मिलता है और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ करिए, क्योंकि जो मैं सऊदी की बात कर रहा हूँ या मिडिल ईस्ट में से जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन की, वो थोड़ा सा लंबे समय के लिए लंबे अवधि के लिए ही उसकी रंग रूप जो है वो उधर निखरेगा, अभी थोड़ा सा इमीडिएट बेसिस पे कुछ नहीं। आपकी नजर क्या इंडस टावर ये वोडाफोन आइडिया पर गई है प्रकाश, क्योंकि आज एक रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है जहां पर सीएलएसए कह रहा है कि जो रिस्क थी वो धीरे धीरे करके रिवर्स हो रही है, कंसीडरिंग इंडस टावर को टाइमली पेमेंट्स मिल रहे हैं, इसमें कुछ और पढ़ना चाहिए? तो एब्सोल्युटली बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस हो रहा है सर, देखिए आप इसमें हो ये रहा है कि जो पिछले साल जब 5G का रोल आउट शुरू हुआ तो एक साल तक जो जो इनके लिए जो एक ऑब्लिगेशन थी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जिसको कहते हैं कि हर एरिया में आप पहले 5G कुछ मिनिमम जो कवरेज के लिए 5G पहुंचाइए, उसके बाद आप आगे की ग्रोथ की बात करें, तो वो रिलायंस जियो ने और भारती ने काफी हद तक कंप्लीट किया है। अब जो 5G का एक्सटेंशन हो रहा है वो प्रॉमिसिंग सेक्टर प्रॉमिसिंग सर्कल्स में ही हो रहा है, और प्रॉमिसिंग सर्कल जहां मैं कह रहा हूँ जहां रेवेन्यू विजिबिलिटी उनको बहुत बढ़िया है, डेटा यूसेज जहां पे बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, ग्रोथ रेट्स अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं आपको जून के आसपास मुझे लगता है पहला प्राइस इंप्रूवमेंट प्राइस हाइक जो है टैरिफ्स में वो भारती की तरफ से आ जाएगा, और वो जैसे ही वो आता है तो अब सबके लिए इजी हो जाता है, चाहे वो जियो हो वोडाफोन हो, अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं, अपनी वायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो टावर का बिजनेस तो डेफिनेटली इतने सालों से जो एक साइडवेज हो गया था क्योंकि एक्सपेंशन ही कोई नहीं कर पा रहा था, पहले 12 प्लेयर्स थे आज सिर्फ 3 प्लेयर 4 प्लेयर्स बचे, वहां पे बहुत सब चेंजेस आ रहे हैं, और एक चीज बोलना चाहूंगा ATC में जो वोडाफोन की हिस्सेदारी जो जो डेट था वोडाफोन ने लिया था वो उसकी जगह उन्होंने उसको इक्विटी में कन्वर्ट करा है। अब इक्विटी में कन्वर्ट करने का मतलब ये कि एक तो उनको कॉन्फिडेंस है कि कंपनी टिकी रहेगी, कोई इक्विटी में वैल्यू बनेगी, और दूसरा वोडाफोन पे जो एक लायबिलिटी थी डेट की वो चली गई है, तो उस लिहाज से उनके कैश फ्लो जैसे इंप्रूव होंगे वो टावर कंपनीज के पुराने बकाए को जो है वो पूरा करते रहेंगे। इनफैक्ट इंडस के पास इतना आउटस्टैंडिंग है, मतलब इंडस की बुक्स पे वोडाफोन से, अगर वो धीरे धीरे आने लगता है तो उनका वन टाइम प्रॉफिट जो है वो राइट बैक जिसको कहते हैं हम कि जो इन्होंने राइट ऑफ किया था वो वापस आने लगेगा, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। सो दैट्स द रीजन जब इंडस में इतनी आपको वो दिख रही है, लेकिन इंडस के साथ साथ एक ये चीज आपको एक ख्याल छोड़ना चाहूंगा आपके साथ, एक बहुत छोटी कंपनी है मेरे ख्याल से 1200-1300 करोड़ मार्केट कैप की, वो जहां जहां इंडस की प्रेजेंस है वो तो है ही है, लेकिन ये बहुत नीच एरियाज में है जो सरकारी बिल्डिंग्स में एस्टेब्लिशमेंट्स में जहां पे सेवा देते हैं, टावर ये भी बनाते हैं, इनके भी क्लाइंट्स भारती जियो वोडाफोन है, इस कंपनी का नाम है सुयोग टेलीमैटिक्स, बहुत छोटी कंपनी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें लिक्विडिटी कम होती है, आप इसको ज्यादा देखेंगे तो इतने वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं होती तो भाव में उतार चढ़ाव ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन इसको धीरे धीरे करके समझे अगर तो इस टाइप की कंपनीज की भी परफॉर्मेंस आपको इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, और 65% एबिटा पे काम करते हैं, ये नहीं कि इनकी कंपनी प्रॉफिट इस कंपनी को प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट है लेकिन स्केल थोड़ा छोटा है, इनके पास सिर्फ 5,000-5,500 के करीब टेनेंसीज है एज कम्पेयर टू इंडस्ट जो लाखों में है, सो कंपनी बहुत छोटी है लेकिन स्पेस बड़ी इंटरेस्टिंग है, और डिजिटाइजेशन को लेकर अर्चदा डेटा का यूसेज मुझे तो नहीं कहीं समझ आया कि कहाँ पे कम होगा,
इसको इस सेक्टर को डेफिनेटली एक पॉजिटिव रूप से देखा जा सकता है। इनफैक्ट क्योंकि हम इस पूरे स्पेस की बात कर रहे हैं, ये भारतीय हेक्सकॉम के आईपीओ में पैसे फिर लगाए जाएं या नहीं? सो टेलीकॉम का बहुत सालों बाद एक आईपीओ आ रहा है, बट इसमें ओएफएस है, मतलब जो टीसीएल का जो हिस्सा था उसको मोनेटाइज करके एग्जिट दी जा रही है। भारती इसमें स्टेक बेच नहीं रहा है अपना, वो 70% 71% जो भी उनका है उस पर मेंटेन रहेगा, तो अच्छा है आईपीओ तो अच्छा है, लेकिन इट्स जस्ट वन मोर टेलीकॉम प्लेयर, मतलब कोई बहुत खास इसमें ऐसे कोई एडवांटेजेस नहीं है, दो सर्कल की के वो है ओनरशिप और उसके लिए ये कर रहे हैं। सो एक बैलेंस शीट इशू है, मतलब बैलेंस शीट रिपेयर, बैलेंस शीट हाईलाइट है, नॉट नेसेसरी कोई बहुत बड़ा बिजनेस आपको इससे हासिल हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई खास इसकी वजह से होगा। हाँ, भारती का शेयर इम्प्रूव हो रहा है वो अलग बात है, और आगे चल के एक वैल्यू बनने लगेगी तो भारती के शेयर पे भी फर्क पड़ेगा, बट थोड़ा सा समय लगेगा। की ट्रिगर टू वॉच इज द प्राइस हाइक, जैसे ही आपको अंदेशा आता है और ये आता है डीलर से बात करके, डीलर्स को एक एहसास होने लगता है, जैसे पहले सिगरेट के भाव बढ़ते थे तो डीलर्स को एक महीने पहले पता चल जाता था, वैसे ही जो प्रीपेड फोन्स होते हैं, प्रीपेड कार्ड सिम कार्ड की जो बिक्री करते हैं जो खुदरा व्यापारी, उनको सबको ये समझ आने लगता है कि इसमें प्राइस हाइक आने की उम्मीद है कि नहीं। प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, आपसे